दोस्तों, ये वीडियो स्पेशल होने वाली है उन लोगों के लिए जिनका YouTube पे चैनल है, फिर YouTube पे चैनल बनाने की सोच रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे एंड्रॉइड एप्लीकेशन की जो आपकी हेल्प करेंगी YouTube पे ग्रो होने के लिए। तो इस वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पोर्ट। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए और साइड में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। तो जो सबसे पहली एप्लीकेशन है उसका नाम है YT स्टूडियो, YouTube स्टूडियो जिसे हम कह सकते हैं, और एक YouTube की ऑफिशियल ऐप है। तो इस ऐप की मदद से आप अपने चैनल के एनालिटिक्स देख सकते हैं कि आपके कितने व्यूज आए, लास्ट वीडियो में कितने व्यूज आए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप इसे अपने YouTube की वीडियो पे व्यूज, सब्सक्राइबर या फिर वॉच टाइम वगैरह चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको YouTube के क्रोम वर्जन में मिलता है, फिर डेस्कटॉप वर्जन में मिलता है, वो सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आप इससे अपने चैनल की ग्रोथ को चेक कर सकते हैं। तो जो दूसरा ऐप है वो है एडिटिंग को लेके, तो जिसमें यहाँ पे हमारे पास दो ऐप हैं, एक है पावर डायरेक्टर और एक है काइंड मास्टर। तो आप इनमें से कोई भी आपको यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल से, एंड्रॉइड फ़ोन से एडिटिंग करने के लिए। तो आप इससे काफ़ी अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं। तो हाई लेवल की तो नहीं, लेकिन आप एक बेसिक और स्टैंडर्ड लेवल की एक एडिटिंग कर सकते हैं इन मोबाइल ऐप से। तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा और दोनों ही ऐप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसकी मदद से आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो जो तीसरा ऐप है वो है एडिटिंग को लेके, थंबनेल की एडिटिंग को लेके। तो आप इसमें से पिक्सआर्ट या फिर कैनवा, दोनों में से कोई भी एक ऐप यूज़ कर सकते हैं या फिर दोनों भी यूज़ कर सकते हैं अपने थंबनेल की एडिटिंग के लिए। तो इसमें आपको काफ़ी सारे फिल्टर्स और टेक्स्ट मिल जाते हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, और इसमें आपको काफ़ी सारे नए नए फीचर्स मिलते हैं जिन्हें आप फ़ोन भी मिलते हैं इसमें आपको काफ़ी सारे, जिसे आप चेंज करके अपने थंबनेल में यूज़ कर सकते हैं। और तो मैं भी इसी से ही अपनी थंबनेल की एडिटिंग करता हूँ। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल देंगे या फिर आप सीधा प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चौथा एप्लीकेशन है वो है यूट्यूब टैग प्रो। तो इस ऐप की मदद से आप अपनी वीडियो को वायरल कर सकते हैं, उस पर व्यूज ला सकते हैं। तो ये ऐप आपको बेस्ट से बेस्ट टैग्स ला के देगा यूट्यूब वीडियोज़ के लिए, जिसको यूज़ करके आप अपनी वीडियो को वायरल कर सकते हैं और इसकी मदद से आप अपनी वीडियो पर व्यूज़ पा सकते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ अपना टाइटल डालना है, उसके बाद उस कैटेगरी के आपको जितने भी बेस्ट टैग्स होंगे ये आपको ढूंढ के दे देगा। तो उसे आप सिंपली कॉपी पेस्ट करके अपने अपनी वीडियो के टैग्स पे पेस्ट कर सकते हैं और ये आपकी हेल्प करेगा आपकी वीडियो पे व्यूज आने के लिए। तो जो पांचवा एप्लीकेशन है वो है VSCO। तो इसकी मदद से आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि कलर ग्रेडिंग वो सिर्फ अपने लैपटॉप या फिर बड़े बड़े एडिटिंग सॉफ्टवेयर से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इस एप्लीकेशन से मदद से अपने मोबाइल से कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं अपनी वीडियोज पे। तो इस पर आपको पहले सिर्फ फोटो के लिए होता था, लेकिन अब इस पर एक अपडेट आई है जिसके बाद आप अपनी वीडियो के भी इसमें कलर एडिटिंग कर सकते हैं, कलर ग्रेडिंग। तो आप इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं और इसमें आपको मैनुअल कंट्रोल मिलता है काफ़ी सारी जगहों पर, जिससे आप अपनी कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं और अपनी वीडियो को और बेहतर बना सकते हैं। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो सिक्स्थ और लास्ट ऐप है वो है हमारे पास ओपन कैमरा। तो इसकी मदद से आप अपनी वीडियो को शूट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक बजट स्मार्टफोन है तो उसमें आपको मैनुअल मोड नहीं मिलता है वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, लेकिन ओपन कैमरा की मदद से आप काफ़ी सारे नए फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं। आप इसमें एक्सपोजर लॉक कर सकते हैं, फिर काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसकी मदद से आप फोकस सेट कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा।